क्या आपको पता है कि ट्रैफिक सिग्नल्स पर कार ड्राइवर्स और ट्रक ड्राइवर्स अपनी गाड़ियों को ब्रेक लगाकर कैसे रोक लेते हैं? क्या आपको ये पता है आप खुद की बाइसाइकिल को ब्रेक लगाकर क्यों रोक पाते हो और कैसे रोक पाते हो? यार गाड़ियों की ही बात नहीं है, कोई भी चीज हो, फॉर एग्जांपल दिस इज अ मार्कर और ये एक बुक है, अगर हम इस बुक पर इस मार्कर को रोल कराएं तो एक ऐसा भी जगह आएगा कि ये मार्कर आके रुक गया कि नहीं, ये देखो स्टॉप्स, ये देखो इट स्टॉप्स। ऐसा क्यों होता है? क्यों ऐसा होता है कि अगर आपका पैर केले के छिलके पर पड़ता है तो आप फिसल क्यों चाहते हो, और अगर आप किसी गीले और चिकने फ्लोर पर चल रहे हो तो आप बहुत संभल संभल के चलते हो, आप ऐसे ऐसे करके चलते हो ना, यार कहीं गिर ना जाऊं। तो ऐसा क्यों होता है, क्या आपने कभी सोचा है? ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस का आंसर हम इस ब्यूटीफुल से चैप्टर नंबर 12 फ्रिक्शन में देंगे। काफी डिमांडेड चैप्टर है और इतनी ही अच्छी तरीके से हमने इस चैप्टर को एक्सप्लेन किया है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Hey, hi everyone, तो कैसे यार आप सब? Welcome to Educational Hike, this is your Prem भैया। कितना मिस किया यार तुम लोगों को, बट तुम्हारे लिए इनोवेटिव तरीके ढूंढ कर चैप्टर को एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा डिले हो जाता है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड यार, बट वी आर बैक विद अनदर एक्साइटिंग चैप्टर, चैप्टर नंबर 12 फ्रॉम क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस फ्रिक्शन। मैं आपको बता दूं यार कि इस चैप्टर के पहले जितने भी चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 11 की वीडियोस हमने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है। अगर आपने उन वीडियोस को अभी तक नहीं देखी है यार, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियोस की लिंक मिल जाएगी, सिंपली जाइए क्लिक करिए और देखिए। नाउ कम ऑन दिस चैप्टर, दिस इज चैप्टर नंबर 12 फ्रॉम क्लास 8 साइंस फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है यार? अगर हम फ्रिक्शन को सिंपल हिंदी लैंग्वेज में कहें ना, तो रगड़ाव, इसी को हम फ्रिक्शन कहते हैं। अब देखो, पहले हम रियल लाइफ में फ्रिक्शन का मतलब समझेंगे, उसके बाद साइंस में इसको रिलेट करेंगे। देखो यार, एक ऐसा इंसान है जो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हुए जा रहा है, वो अपनी लाइफ में काफी आगे बढ़ रहा है, और एक ऐसा इंसान है जो उस इंसान को पीछे खींचने की कोशिश कर रहा है, उसके कामों में डिस्टर्ब करता है। तो वो इंसान जो उस सक्सेसफुल इंसान से जलता है, वो उसके लिए फ्रिक्शन का काम करेगा। तो इस चीज से हमें एक चीज आइडिया तो मिल गया होगा कि फ्रिक्शन कोई ऐसी चीज है जो बढ़ती हुई चीज को रोकती है। एग्जैक्टली, फ्रिक्शन इज अ नेगेटिव फोर्स। ये एक ऐसा फोर्स होता है, अगर कोई एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर मूव कर रहा है तो उस ऑब्जेक्ट को रोकता कौन है? That is friction. समझ में आया friction? ये जो पूरा टॉपिक है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। Now we will start line by line explanation. You might have seen a driver of a car or a truck. यहां से लेकर इस पैराग्राफ का जो लास्ट लाइन है, यहां तक, why it is difficult to walk on a smooth and wet floor, ये हमने इस वीडियो के स्टार्टिंग में एक छोटे से क्लिप में जितनी सारी चीजें लिखी गई है ना, वो सारी चीजें मैंने आपको दिखा दी हैं, ठीक है? तो हमें ये पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम हियर। यू विल फाइंड द आंसर्स टू सच क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। जो हमारे मन में ये सारे क्वेश्चंस आते हैं कि क्यों गाड़ियां ट्रैफिक सिग्नल पर ब्रेक लगाकर कैसे रुक जाती हैं, कैसे हम अपने साइकिल को ब्रेक लगाकर रोक पाते हैं, कैसे हमारा पैर अगर केले के छिलके पर पड़ता है तो हम क्यों फिसल जाते हैं, क्यों हम किसी गीले या चिकने फ्लोर पर ठीक से नहीं चल पाते हैं, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर हम इस चैप्टर में देंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। इस चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है 12.1 फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। दैट मींस कि एक्चुअल में फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। चलो हम जो एक्टिविटी नंबर 12.1 है, जो इस चैप्टर की फर्स्ट एक्टिविटी है, इसमें हम जानेंगे कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहां लगता है और क्या होता है, ठीक है? तो चलते हैं प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि व्हाट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। सो हे, हाय एवरीवन, दिस इज योर प्रेम भैया और ये है मेरा पूरा स्टडी टेबल। आज मैं आपको एक्टिविटी नंबर 12.1 जो इस चैप्टर का है, फ्रिक्शन चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, और इस चैप्टर से जो फर्स्ट एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी में हमें पता करना है कि भाई साहब फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, व्हाट इज फ्रिक्शन, समझ गए? चलो, आपको ये पूरी एक्टिविटी यहां पर लिखी हुई दिख रही होगी, इस एक्टिविटी को पूरा पढ़ो। वैसे मैंने तो पढ़ लिया है और मैं आपको करके दिखाने वाला हूं कि इस एक्टिविटी में क्या कुछ है और इस एक्टिविटी को
करने के बाद हमें यह पता चलने वाला है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता क्या है या फ्रिक्शन क्या होता है। समझ गए? चलो स्टार्ट करते हैं इस एक्टिविटी को। इसके लिए आपको चाहिए क्या? एक ऐसा टेबल चाहिए, एक ऐसी बुक चाहिए। ऐसी बुक क्या? कोई भी मोटी पतली बुक ले लो, ठीक है। करना क्या है आपको? अब एक बार इस बुक को इधर लेफ्ट साइड से पुश करो। ये देखो, बुक कुछ दूर चलने के बाद रुक जा रही है ऑटोमेटिकली। देख रहे हो आप? ये देखो रुक जा रही है कि नहीं। और अगर सेम चीज हम इधर इस साइड से भी करेंगे, फिर भी ये बुक आगे जाके रुक जाएगी। जैसे देखो, ये रुक जा रही है कि नहीं, ये रुक रही है कि नहीं, ये देखो हो रहा है ना। अब आप सोच पा रहे हो कि ऐसा क्यों हो रहा है? कोई ऐसी चीज तो होगी ना जो इस बुक को रोक रही है। ये देखो, कोई तो ऐसी चीज होगी, कोई ऐसा फोर्स होगा जो इस बुक को रोक रही है। तो यस, जो फोर्स इस बुक के रिलेटिव मोशन को रोक रही है, उसी फोर्स का नाम हम फ्रिक्शनल फोर्स देते हैं। समझ गए? इस फोर्स से हमें क्या पता चलता है? इस फोर्स से हमें पता चलता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जैसे ये बुक, ये किसी सरफेस पर है, ये देख रहे हो, ये इस टेबल के सरफेस पर है, और अगर हम इसे मूव कराते हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है? इसके मूवमेंट को अपोज करता है, इसके मूवमेंट को रोकता है। समझ गए? तो फ्रिक्शन का मतलब समझ गए आप, और इस फ्रिक्शनल फोर्स के एक्टिविटी को भी समझ गए कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है, अगर हम कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और जिसकी वजह से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, ये देखो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और इसकी वजह से ये बुक क्या हो रहा है? मूव हो रहा है। और इस अप्लाइड फोर्स को रोकता कौन है? फ्रिक्शन। आई होप आपको ये एक्टिविटी अच्छे से समझ में आ गई होगी। इस चैप्टर के हर एक एक्टिविटी को हम प्रैक्टिकली ही करेंगे। सो नाउ गेट बैक टू लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। तो ये थी यार आपकी एक्टिविटी, और इस एक्टिविटी से हमने जाना कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता कहां पर है। अब हम आगे बढ़ेंगे। यू सॉ दैट इफ यू अप्लाई द फोर्स अलोंग द लेफ्ट, फ्रिक्शन एक्ट्स अलोंग द राइट। हमने क्या देखा? हमने देखा कि जब हम बुक को लेफ्ट साइड से फोर्स लगाकर आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन राइट साइड से लग रहा है और इस बुक को अपोज कर रहा है, इस बुक के मूवमेंट को रोक रहा है। और वहीं पर हमने देखा जब हम फोर्स को राइट साइड से लगा रहे हैं, तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो लेफ्ट साइड से लग रहा है और बुक के मूवमेंट को अपोज कर रहा है, बुक को रोकने की कोशिश कर रहा है। इन बोथ केसेस द फोर्स अपोजेस द मोशन ऑफ द बुक। इन दोनों केसेस में चाहे हम लेफ्ट से फोर्स लगाएं, चाहे हम राइट साइड से फोर्स लगाएं, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो बुक के मोशन को अपोज कर रहा है, रोकने का काम कर रहा है। तो हमें यहां से इतना पता चलता है कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो एक नेगेटिव फोर्स है जो हमेशा क्या काम करता है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द अप्लाइड फोर्स। हमारे द्वारा प्रयोग किए गए फोर्स को जो फोर्स रोकता है, अपोज करता है, उसी को हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का नाम देते हैं। तो आई थिंक आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पता चल गया होगा। आगे हम बढ़ेंगे। इन द अबव एक्टिविटी द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स बिटवीन द सरफेस ऑफ द बुक एंड द सरफेस ऑफ द टेबल। जो हमने अभी जस्ट एक्टिविटी की, हमने उसमें देखा कि जो बुक का सरफेस है और जो टेबल का सरफेस है, इन दोनों सरफेस के बीच में एक फोर्स लग रही है जो बुक के मूवमेंट को रोक रही है, और इसी फोर्स को हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि इज द फ्रिक्शन द सेम फॉर ऑल द सर्फेसेस। कि जो फ्रिक्शन है क्या वो सभी सर्फेसेस पर एक जैसा होगा? मतलब हमने देखा है कि जो चिकनी चीजें होती हैं उस पर हम आसानी से फिसल जाते हैं, लेकिन वहीं पर जिस सरफेस पर अगर हम खड़े हैं वो खुरदुरा है, वो इररेगुलर है, तो हम आसानी से खड़े रहते हैं, फिसलते नहीं हैं। तो हमें इससे क्या पता चलता है? हमें इससे पता चलता है कि जो फ्रिक्शन है वो सरफेस टू सरफेस वैरी करता है, अलग अलग होता है। जैसे ही हम चिकने स्थान पर आते हैं फ्रिक्शन कम लगता है, हम फिसल के गिर जाते हैं, और वहीं पर हम अगर किसी खुरदुरे स्थान पर खड़े होते हैं फ्रिक्शन ज्यादा लगता है, पकड़ ज्यादा होती है, और हम वहां पर आसानी से खड़े हो पाते हैं। डज इट डिपेंड ऑन द स्मूथनेस ऑफ द सर्फेस? क्या ये स्मूथनेस ऑफ सर्फेस पे डिपेंड करता है? क्या हमारा सर्फेस अगर ज्यादा स्मूथ है तो फ्रिक्शन कम लगेगा? यस। और अगर वहीं पर हमारा सर्फेस काफी ऐसे कह सकते हो कि इररेगुलर है, काफी खुरदुरा है, तो वहीं पर हमारा फ्रिक्शन जो है वो ज्यादा लगेगा। लेट अस फाइंड आउट।
ओके अब हम आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में. हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है टॉपिक नंबर 12.2 फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन. दैट मींस कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे फ्रिक्शन डिपेंड करता है. हम जानते हैं कई ऐसे सर्फेसेस होते हैं जिसमें फ्रिक्शन बिल्कुल भी नहीं होता, वहां पर हम आसानी से स्लिप कर जाते हैं, फिसल जाते हैं. और कई ऐसे सर्फेसेस होते हैं जहां पर फ्रिक्शन ज्यादा होता है. हम वहां पर खेलें, हम वहां पर कूदें, हम वहां पर गाएं, नाचें, कुछ भी करें, वहां पर हम फिसलते नहीं है, गिरते नहीं है. क्यों? क्योंकि वहां पर फ्रिक्शन ज्यादा होता है. तो यार किसी सर्फेस पे फ्रिक्शन कम होता है, किसी सर्फेस पे फ्रिक्शन ज्यादा होता है, ये किस चीज पर डिपेंड करता है? वो कौन से कारण हैं जिनकी वजह से फ्रिक्शन कम और ज्यादा होता रहता है, वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे. तो हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी आती है एक्टिविटी नंबर 12.2. इस एक्टिविटी में हमें क्या कुछ करना है, चलिए देखते हैं. टाई स्ट्रिंग अराउंड अ ब्रिक, पुल द ब्रिक बाय ए स्प्रिंग बैलेंस, यू नीड टू अप्लाई सम फोर्स. आपको करना क्या है, एक ऐसी ईंट लेनी है और ईंट के चारों तरफ बांध देना है कि स्ट्रिंग, एक धागा, ठीक है. फिर उस धागे को बांध देना है आपको एक स्प्रिंग बैलेंस में और उस स्प्रिंग बैलेंस को खींचना स्टार्ट करो. नोट डाउन द रीडिंग ऑन द स्प्रिंग बैलेंस व्हेन द ब्रिक जस्ट बिगिंस टू मूव. और जैसे ही, अब देखो स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है, स्प्रिंग बैलेंस क्या काम करता है भाई साहब, स्प्रिंग बैलेंस इज यूज टू मेजर फोर्स. जो हमारे द्वारा फोर्स लगाया जा रहा है कोई काम करने में, किसी चीज को खींचने में, किसी चीज को धक्का देने में, कुछ भी करने में, हमारे द्वारा जो ताकत लगाया जा रहा है उस ताकत, उस फोर्स को मेजर करने का काम करता है ये स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है. आप देख पा रहे हो यहां पर स्प्रिंग बैलेंस में हम थोड़ा सा कुछ ज्यादा कुछ जानेंगे स्प्रिंग बैलेंस के बारे में, बट वो थोड़ा आगे है इस एक्टिविटी को करने के बाद, ठीक है. तो जैसे ही ये ईट मूव करना शुरू करे, ये ईट आगे बढ़ना शुरू करे, आप तुरंत रीड करो कि इस स्प्रिंग बैलेंस में कितनी रीडिंग आई है. और जितनी रीडिंग आई होगी उतना ही हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का मेजरमेंट होगा. समझ में आया? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, देखो एक छोटे से कॉन्सेप्ट से समझो. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, वो हमारे द्वारा लगाए गए ताकत को रोकने का काम करता है. तो अगर हमें हमारे द्वारा लगाए गए ताकत को छोड़कर उस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को पता करना है जो इस ईट को आगे बढ़ने से रोक रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जस्ट जब ये ईट मूव करना शुरू करे तभी तभी जो रीडिंग आएगी इस स्प्रिंग बैलेंस में वो रीडिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की होगी. समझ गए? चलो तो यही एक्टिविटी हमें यहां पर करनी थी. आगे हम इस एक्टिविटी को और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं. क्या कर सकते हैं हम, नाउ रैप अ पीस ऑफ पॉलिथीन अराउंड द ब्रिक एंड रिपीट द एक्टिविटी. अब आपको इस एक्टिविटी को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्या करना है भाई साहब, इस ईट को एक पॉलिथीन में रख दो और उसके बाद फिर से इसको खींचना स्टार्ट करो. क्या आपको उतनी ही ताकत लगानी पड़ रही है जितना आपने पहली बार लगाई थी? बिल्कुल नहीं. क्यों नहीं भाई साहब? क्योंकि इस बार आपने इस ईंट को रख दिया है पॉलिथीन में और पॉलिथीन बहुत आसानी से फिसलता है, बहुत आसानी से सरकता है, स्लिप करता है, ठीक है. तो इस बार हमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो लगेगा वो कम लगेगा, ठीक है. अब आप इस एक्टिविटी को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इस ईट को किस में रैप कर सकते हो, किससे ढक सकते हो, जूट के बैग से. आपने जूट के बैग्स तो देखे होंगे ना, हमारे घरों में होते हैं, जिसमें जो आप कह सकते हो कि जो राइस और जो वीट के सीड्स आते हैं बोने के लिए खेतों में, वो जूट के बैग्स में ही आते हैं, ठीक है. तो आप ईट को जूट के बैग में रख दो, ठीक है. उसके बाद फिर वही एक्टिविटी करो, जूट के बैग में एक धागा बांध दो, फिर स्प्रिंग बैलेंस से खींचने की कोशिश करो. आप देखोगे इस बार आपको ज्यादा ताकत लगानी पड़ रही है. क्यों? क्योंकि भाई साहब इस बार फ्रिक्शनल फोर्स थोड़ा ज्यादा होगा, ठीक है. समझ में आया आपको कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है वो क्या होता है. अब हम जानेंगे स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है, स्प्रिंग बैलेंस कैसे काम करती है और क्या काम करती है. देखो स्प्रिंग बैलेंस कोई एक ऐसी चीज होती है, इसमें क्या होता है भाई साहब, स्प्रिंग बैलेंस इज अ डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट. किसी ऑब्जेक्ट पर हम कितनी ताकत लगा रहे हैं, हम कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इस चीज को मेजर कौन करता है, इस चीज को मेजर करता है स्प्रिंग बैलेंस. इट कंसिस्ट ऑफ अ क्वाइल्ड स्प्रिंग विच गेट्स स्ट्रेस्ड व्हेन
When a force is applied to it, stretching of this spring is just measured by a pointer moving on a graduated scale. The reading on the scale gives the magnitude of the force. आपको यहाँ पर क्या बताया गया है? यहाँ पर बताया गया है भाई साहब कि ये जो स्प्रिंग बैलेंस है, जैसे ही हम स्प्रिंग बैलेंस में कोई चीज टाई कर देते हैं, कोई चीज बांध देते हैं और हम मेजर करने वाले होते हैं कि हमने कितना फोर्स अप्लाई किया, तो क्या होता है, इस स्प्रिंग बैलेंस के अंदर ऐसे ऐसे क्वाइल्स लगी हुई होती हैं, ऐसे 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 क्वाइल्स लगी हुई होती हैं, और जैसे ही हम इस पे थोड़ी सी फोर्स लगाते हैं, ये जो अंदर क्वाइल्स है, ये जो अंदर स्प्रिंग्स है, वो फैल जाती हैं, और फैलने की वजह से ये जो यहाँ पर पॉइंटर दिख रहा है आपको, ये पॉइंटर ये रीडिंग बताने लगता है कि 10 हो गया, कि 20 ग्राम्स हो गया, कि 30 ग्राम्स हो गया, कि 40 ग्राम्स हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से स्प्रिंग बैलेंस हमारे द्वारा लगाए गए फोर्स को मेजर करने का काम करता है, समझ गए। नाउ अब हम करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी, एक्टिविटी नंबर 12.3। इसके लिए चलते हैं हम कैमरे पर। ओके सो हाय एवरीवन, दिस इज एक्टिविटी नंबर 12.3 फ्रॉम दिस चैप्टर। इस चैप्टर की ये थर्ड एक्टिविटी है और इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चलने वाला है, ये एक्टिविटी आपके सामने पूरी लिखी हुई दिख रही होगी, पूरी पढ़ो इस एक्टिविटी को। लास्ट में इस एक्टिविटी से हमें यह पता करना है कि जो फ्रिक्शन है क्या वो सरफेस के स्मूथनेस पर डिपेंड करता है या नहीं करता। दैट मींस कि अगर हमारा सरफेस स्मूथ है तो फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा या कम लगेगा, और वहीं पर जब हमारा जो पूरा सरफेस है वो काफी खुरदुरा है, वो काफी इररेगुलर है, तो हमारा फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा या कम लगेगा, यही हम इस एक्टिविटी में चेक करने वाले हैं। तो चलो, हमारे पास लगभग लगभग तीन टाइप ऑफ सर्फेसेज हैं। हमारे पास ये एक पूरा स्मूथ टेबल है, फिर हमारे पास ये कपड़ा है, इसको हम यहां पर रख के देखेंगे कि फ्रिक्शन ज्यादा लगता है कि कम लगता है, उसके बाद हम इसे रख के देखेंगे, फिर देखेंगे कि फ्रिक्शन ज्यादा लगता है या कम लगता है। तो चलो एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें एक पॉइंट यहां पर मार्क करनी है। हमने यहां पर एक पॉइंट लगा दी है और यहीं से आपको ये सेल दिख रही है, रिमोट वाली बैटरी, इसको यहां से छोड़ना है बिल्कुल ऐसे, ठीक है। चलो, तो आपको सबसे पहले इस टेबल पर छोड़ना है, फिर वो जो कपड़ा है मैं यहां पर रखूंगा उस पर छोड़ना है, फिर वो जो सबसे ज्यादा खुरदुरा कपड़ा है उसको यहां पर रखूंगा, फिर आपको छोड़ना है। चलो देखो, सबसे पहले क्या किया हमने, हमने इसको लिया और यहां से छोड़ दिया। हमने देखा ये बैटरी यहां से चली गई, दैट मीन्स फ्रिक्शन बिल्कुल नहीं है। फ्रिक्शन अगर होता तो ये बैटरी यहीं पर कहीं रुक जाती, ठीक है। अब हम दूसरा कपड़ा लगाकर देखेंगे। चलो, सो यस, नाउ अब हमने क्या किया, हमने किया ये, ठीक है। अब हम फिर इस बैटरी को यहां से छोड़ेंगे, देखो दिस। अब भी क्या हुआ कि जो सेल थी वो थोड़ा सा यहां पर स्लो हुई, फिर आगे बढ़ गई। दैट मींस कि यहां पर फ्रिक्शन थोड़ा सा लग रहा है, तभी वो जो बैटरी है, वो जो सेल है, वो यहां पर आके हल्का सा रुक जा रही है। समझ में आया? अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने तीसरे सरफेस पर, ये वाला सरफेस, ये दिस वन, ठीक है, और फिर से हम बैटरी को ले आके यहां से छोड़ेंगे। देखो, ये काफी खुरदुरा सरफेस है और जहां तक हमारा मानना है, ये जो बैटरी है वो इसी पर जाके रुक जानी चाहिए। चलो देखते हैं। यस 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 यस, देखो फिर से देखो, ये कहीं जाकर इधर हो जा रही है या इधर हो जा रही है, फिर से देखो, फिर से देखना, आराम से देखो एक बार, ये दैट मीन्स कि यहां पर फ्रिक्शन है, तभी हमारा जो सेल है वो आगे की तरफ मूव कर रहा है और फ्रिक्शनल फोर्स इसे पीछे खींच रहा है। देखो, ये देखो, देख रहे हो कि नहीं, ये देखो कहीं पर रुक जा रही है ना। दैट मीन्स कि ये सरफेस जो है ये काफी ज्यादा खुरदुरा है, आप देख पा रहे हो, ये प्लेन बिल्कुल भी नहीं है, ये काफी ज्यादा खुरदुरा है, जिसकी वजह से ये जो सेल था हमारा वो इस पर आकर कहीं पर रुक जा रहा है। तो हमें इस एक्टिविटी से क्या पता चला, हमें इस एक्टिविटी से पता चला कि जो फ्रिक्शन है वो स्मूथनेस पर डिपेंड करता है, जितना ज्यादा स्मूथ सरफेस उतना कम फ्रिक्शन, और जितना ज्यादा इररेगुलर सरफेस उतना ज्यादा फ्रिक्शन। समझ गए? आई होप आपको ये समझ में आ गई है होगी एक्टिविटी। चलते हैं अपने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की तरफ।
ओके सो वी हैव ऑलरेडी डन एक्टिविटी नंबर 12.3, अब हम आगे पढ़ेंगे. इन विच केस इज द डिस्टेंस कवर्ड द मिनिमम. हमने अभी जस्ट जो एक्टिविटी की, जो हमने पेंसिल सेल को बुक से रोल कराया, हमने पहली बार टेबल पर रोल कराया पेंसिल सेल को, तो वो पेंसिल सेल बिल्कुल भी नहीं रुकी, वो बहुत दूर चली गई. हमने दूसरी बार जब पेंसिल सेल को रोल कराया तो हमने देखा जैसे ही वो पेंसिल सेल कपड़े पर पहुंचती है वो थोड़ा सा रुकती है फिर आगे बढ़ जाती है. हमने तीसरी बार देखा जब एकदम खुरदुरा कपड़ा हमने ले लिया तो हमने देखा कि पेंसिल सेल उस कपड़े पर आके रुक जा रही है. तो कौन से केस में डिस्टेंस सबसे मिनिमम था? थर्ड केस में, जब हमारा सरफेस बहुत ज्यादा रफ था तब डिस्टेंस काफी मिनिमम था, काफी कम था. समझ गए? तो अब ऐसा क्यों होता है कि तीन बार हमने इस बैटरी को रोल कराया और तीनों बार अलग अलग डिस्टेंस कवर किया इस बैटरी ने? ऐसा क्यों हुआ? क्यों हुआ? क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से. थर्ड केस में फ्रिक्शन ज्यादा था इसलिए बैटरी कम दूर तक गई. फर्स्ट केस में फ्रिक्शन बिल्कुल नहीं था इसलिए बैटरी ज्यादा दूर तक गई. तो आपको समझ में आया क्यों ऐसा होता है? यस, ऐसा इसीलिए होता है, जहां पर फ्रिक्शन ज्यादा होता है वहां पर जो डिस्टेंस कवर्ड होता है वो मिनिमम होता है, और जहां पर फ्रिक्शन कम होता है वहां पर जो डिस्टेंस कवर्ड होता है वो मैक्सिमम होता है, वो ज्यादा से ज्यादा होता है. चलो, तो हमने ये जान लिया, अब हम बढ़ेंगे चैप्टर में आगे. डज द डिस्टेंस कवर्ड डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस वेयर द सेल मूव्स. हमने यहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या जो ये बैटरी है वो जिस सरफेस पे मूव करती है उस सरफेस पे डिपेंड करेगा कि ये जो बैटरी है वो कितनी दूर जाएगी. हाँ बिल्कुल, यहां पे देखो जैसे टेबल है, टेबल पर ये जो बैटरी है वो काफी दूर तक जाएगी क्योंकि ये जो टेबल है वो काफी स्मूथ है. और यहीं पर अगर हमने बालू कागज ला के रख दिया या कोई खुरदुरा कपड़ा ला के रख दिया तो हम देखेंगे बैटरी यहीं कहीं आके रुक जाएगी. मतलब जो डिस्टेंस कवर्ड है वो हमारे सरफेस पर डिपेंड करता है. हमारा सरफेस अगर ज्यादा रफ है, ज्यादा इररेगुलरिटीज हैं उसमें, तो डिस्टेंस कवर्ड विल बी मिनिमम, एंड इफ द सरफेस इज स्मूथ द डिस्टेंस कवर्ड विल बी मैक्सिमम. ठीक है, कुड द स्मूथनेस ऑफ द सरफेस ऑफ द सेल आल्सो अफेक्ट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट. यहां पर वही चीज पूछा गया है, अगर हमारा सरफेस चिकना है तो बैटरी हमारी काफी दूर तक जाएगी क्योंकि यहां पर फ्रिक्शन बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, और वहीं पर हमारा जो सरफेस है वो अगर खुरदुरा है तो हमारी जो बैटरी है वो कम डिस्टेंस कवर करेगी क्योंकि यहां पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है. ठीक है, तो हमने अल्टीमेटली इस एक्टिविटी से ये जाना, जहां पर स्मूथनेस है वहां पर फ्रिक्शन कम लगता है, जहां पर थोड़ा खुरदुरापन है, जहां पर थोड़ी सी उबड़ खाबड़ सी सरफेस है वहां पर जो फ्रिक्शन है वो ज्यादा लगता है. अब यहां पर टकलू बूझो कुछ पूछ रहा है, ये इस एक्टिविटी को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाना चाहता है. ये कह रहा है कि मैं इस पेंसिल सेल के चारों तरफ बांध दूंगा सैंड पेपर, बांध दूंगा मैं बालू कागज, और उसके बाद फिर ये एक्टिविटी करूंगा, फिर मैं देखूंगा कि फ्रिक्शन ज्यादा लग रहा है कि कम लग रहा है. तो मैं टकलू को पहले ही बता दूं कि फ्रिक्शन उस समय ज्यादा लगेगा क्योंकि जो बालू कागज होता है, जो सैंड पेपर होता है, वो काफी रफ सरफेस होता है. ठीक है, तो आप भी इस टकलू की जैसे ये एक्टिविटी और भी इंटरेस्टिंग बना के कर सकते हो. नाउ अब हम आगे बढ़ेंगे, हम जानेंगे कि फ्रिक्शन क्रिएट कहां पर होता है और कैसे फ्रिक्शन क्रिएट होता है. फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इररेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट. इसके कहने का मतलब ये है, अगर दो सरफेस, जैसे ये टेबल है और ये बॉल है, ये दो सरफेस अगर कॉन्टैक्ट में है और इनके बीच में, जैसे टेबल में भी काफी इररेगुलरिटीज है, काफी खुरदुरापन है, और बॉल में भी काफी खुरदुरापन है, तो हम कहेंगे यहां पर फ्रिक्शन क्या है? मैक्सिमम है, फ्रिक्शन यहां पर हाई है. और यहीं पर इस टेबल में बिल्कुल भी इररेगुलरिटीज नहीं है, ये टेबल बिल्कुल स्मूथ है, काफी प्लेन है, और ये बॉल भी काफी स्मूथ है, काफी प्लेन है, तो हम कहेंगे जो फ्रिक्शन लग रहा है यहां पर ये काफी लो लग रहा है. तो समझ में आया फ्रिक्शन कहां पर क्रिएट होता है? जहां पर इररेगुलरिटीज ज्यादा होती हैं, जहां पर उबड़ खाबड़ सरफेस ज्यादा होती है, वहां पर फ्रिक्शन ज्यादा क्रिएट होती है. इवन दो सर्फेसेज विच अपीयर वेरी स्मूथ हैव अ लार्ज नंबर ऑफ माइन्यूट
irregularities on them. काफी ऐसे भी surfaces होते हैं, जैसे ये table हो गया, ये table आपको दिखने में लग रहा है कि काफी चिकना है, काफी smooth है, लेकिन फिर भी अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इस table के ऊपर भी छोटे छोटी 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 irregularities है, छोटा छोटा खुरदुरापन है, ठीक है. Irregularities on the two surfaces locked into one another. हमने कहा ना कि जितनी ज्यादा irregularities, जितनी ज्यादा उबड़ खाबड़ सरफेस, उतना ज्यादा फ्रिक्शन. ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने देखा ये जो टेबल है, अगर ये भी खुरदुरा है और हमने इस पर कोई चीज रख दी, एक बॉक्स रख दी, और ये बॉक्स भी खुरदुरा है, तो इन दोनों में क्या होता है, इन दोनों की इररेगुलरिटीज आपस में चिपक जाती हैं, आपस में इंटरलॉक हो जाती हैं. समझ में आया? और इसी के लिए व्हेन वी अटेम्प्ट टू मूव एनी सरफेस वी हैव टू अप्लाई अ फोर्स टू ओवरकम इंटरलॉकिंग. और इसी के लिए इस बॉक्स को अगर हमें यहां से हटाना हुआ तो हमें थोड़ी सी ताकत लगानी पड़ेगी इस इंटरलॉकिंग को तोड़ने के लिए. समझ में आया? इसी को, जितनी ताकत हमें इस बॉक्स को यहां से हटाने में लगेगी, समझ लो वही हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस सरफेस पर लग रहा है. समझ में आया? अब हम आगे बढ़ेंगे. ऑन रफ सर्फेसिस देयर आर लार्जर नंबर ऑफ इररेगुलरिटीज सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ग्रेटर. हमने देखा कि कोई ऐसा सर्फेस जिसमें काफी ज्यादा खुरदुरापन हो, काफी एकदम उबड़ खाबड़ हो, वहां पर इररेगुलरिटीज ज्यादा होती हैं, इसलिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी ज्यादा होता है. समझ गए? और अगर जिस सरफेस पे इररेगुलरिटीज कम हो, बिल्कुल छोटी छोटी इररेगुलरिटीज हो, वहां पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैसा लगता है? कम लगता है. समझ में आया? आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा. ये देख रहे हो, ये बुक और टेबल का इसने एग्जाम्पल दिया है. देखो, टेबल थोड़ा सा खुरदुरा है और ये बुक भी थोड़ा सा खुरदुरा है. ये दोनों चीजें आपस में आके लॉक हो गई हैं, इसलिए इस बुक को मूव कराने के लिए हमें थोड़ी सी ताकत की जरूरत पड़ेगी. हमें उतनी ही ताकत की जरूरत पड़ेगी जितना इसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगा हुआ है. समझ में आया? हम आगे बढ़ेंगे. हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर. वी सी दैट फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इंटरलॉकिंग ऑफ इररेगुलरिटीज इन द टू सर्फेसेस. हमने क्या देखा? हमने देखा फ्रिक्शन कैसे क्रिएट होता है अगर दो सर्फेसेस, जैसे एक ये टेबल हो गया और ये एक बुक हो गई, इन दोनों के बीच में जितनी ज्यादा इररेगुलरिटीज होंगी, जितना ज्यादा उबड़ खाबड़ सरफेस होगा, उतना ज्यादा, उतना मैक्सिमम फ्रिक्शन क्रिएट होगा. तो हमने ये चीजें देख ली हैं कि जो फ्रिक्शन है वो इररेगुलरिटीज की वजह से क्रिएट होती हैं. इट इज ऑब्वियस. और इसी के लिए ये बात कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल इंक्रीज If the two surfaces are pressed harder. अगर देखो, जैसे भाई साहब ये देखो, ये जो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, इस बुक के ऊपर अगर हमने कोई हैवी चीज रख दी, या इस बुक को हमने दबा दिया, या अपने हाथ से ही पकड़कर दबाए रखा, और फिर हमने दूसरी हाथ से इस बुक को मूव कराना स्टार्ट कर दिया, तो क्या आपको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा? हाँ, बिल्कुल ज्यादा लगाना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि भाई ये जो इंटरलॉकिंग्स थी, जब हमने इसमें फिर से इस बुक को और ज्यादा दबा दिया तो ये इंटरलॉकिंग और ज्यादा चिपक गई. दैट मीन्स कि हमें और भी ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत पड़ेगी. आप इसे एक एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हो कि यू कैन एक्सपीरियंस इट बाय ड्रैगिंग अ मैट व्हेन नोबडी इज सिटिंग ऑन इट. कोई चटाई आपके घर में होगी, पहले चटाई को पूरा बिछा लो, उसके बाद उसे खींचने की कोशिश करो. आप देखोगे कि आप उस मैट को, उस चटाई को आसानी से ड्रैग कर पा रहे हो, आसानी से खींच पा रहे हो. क्यों? क्योंकि उस पर प्रेस नहीं किया गया है. और वहीं पर कोई उस चटाई पर बैठ जाए, फिर खींचने की कोशिश करो, तो क्या आपको ताकत ज्यादा लगानी पड़ रही है? हाँ, बिल्कुल ज्यादा लगानी पड़ रही है, क्योंकि मैट और जमीन के बीच में जो इररेगुलरिटीज हैं, उसको हमने और ज्यादा प्रेस कर दिया, और ज्यादा हमने दबा दिया, इसलिए वहां पर हमें थोड़ा ज्यादा ताकत लग रही है, क्योंकि वहां पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीज हो गया है. सो आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा यार, और ये पार्ट पढ़ने में बहुत ज्यादा मजा आया होगा. सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा यार, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, वीडियो को शेयर करो, चैनल एजुकेशनल हैक्स को सब्सक्राइब करो, ताकि हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाते रहें. सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद.